बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 11 आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बना ही रहता है। इस बार शो को कई बातें खास बनाती हैं। केबीसी 11 पर हर हफ्ते आने वाले प्रतियोगी भी खबरों में आ ही जाते हैं। कल यानी 20 सितंबर को ऑन एयर हुए केबीसी 11 का एपिसोड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की वजह से चर्चा में रहा। इस एपिसोड में हॉट सीट पर करोड़पति बनने आई थी राजस्थान के वाडमेर की रूमा देवी और उनकी मदद के लिए उनके साथ आई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। इस दौरान सोनाक्षी ने कुछ सवालों का जवाब दिया लेकिन एक आसान से सवाल पर फंस गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमिताभ बच्चन के शो पर सवाल किया, रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, जिसमें पहला था सुग्रीव, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा सीता और चौथा ऑप्शन राम। वही जब जवाब देने की बारी आई तो सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन देखकर लोग हैरान रह गए। उन्हें इस सवाल का जवाब ही नहीं पता था, जिसके चलते उन्हें एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद ही सोनाक्षी सिन्हा सही जवाब दे पाई। सोनाक्षी सिन्हा इस आसान से सवाल का जवाब नहीं देने के कारण सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं। वहीं एक यूज़र ने लिखा, इन स्टार्स किड्स को वाकई हमारी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा, मुझे लगता था कि बॉलीवुड के इतिहास में अनन्या पांडे सबसे खराब एक्ट्रेस हैं, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने उन्हें गलत साबित कर दिया। ऐसा करके उन्होंने आलिया भट्ट और अनन्या पांडे को कड़ी टक्कर दी है। वहीं अमिताभ बच्चन ने खुद भी सोनाक्षी की क्लास लगा दी। सोनाक्षी के पिता का नाम शत्रुघ्न है, जबकि उनके बाकी और चाचा के नाम राम, लक्ष्मण और भरत है। वहीं उनके घर का नाम भी रामायण है और तो और सोनाक्षी के भाइयों के नाम भी लवकुश हैं। इसके बाद भी वो इस आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाई। बहरहाल केबीसी की बात करें तो रूमा देवी शो के कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में आई थी। रूमा देवी को नारी सशक्तिकरण को लेकर अपने प्रयासों के कारण राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान प्राप्त हो चुका है। रूमा देवी केबीसी पर 12,50,000 रुपये ही जीत पाईं।